भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दोनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। कोई खिलाड़ी उन्हें बाहर करने की सलाह दे रहा है तो कई खिलाड़ी उन्हें टीम में रखकर उन्हें मौका देने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिग्गजों का कहना है कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए, तो कहीं वर्तमान के खिलाड़ी उनके सपोर्ट में नजर आए हैं। इसी कड़ी में भारत के कप्तान रोहित शर्मा, इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और साथ ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं। बाबर आजम ने हाल ही में एक ट्वीट किया और लिखा कि यह समय जो है वो गुजर जाएगा, आप मजबूत रहें, हौसला रखें। और विराट कोहली के साथ उन्होंने एक फोटो को शेयर किया और हैशटैग दिया विराट कोहली। अब आपको बता दें कि बाबर आजम की तारीफ उस ट्वीट के बाद लगातार होने लगी। हर कोई बाबर आजम की तारीफ करने लगा कि बाबर आजम ने खेल भावना को दिखाया है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भी कूदे, उन्होंने भी बाबर आजम की तारीफ की और साथ ही दोनों देशों के संबंधों की बात भी कह दी। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने एक पाकिस्तान के टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बेहद ही अच्छी भावना दिखाई है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद उनका जवाब नहीं देंगे, अगर उन्हें देना होता तो वह अब तक जवाब दे चुके होते और अगर विराट कोहली इसका जवाब दे तो ये बेहद अच्छा होगा। आपको बता दें कि इसके बाद शाहिद अफरीदी ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया और उस पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि दो देशों के बीच अगर संबंध को मजबूत बनाना है तो खेल उसका सबसे बड़ा हथियार है। खेल ही ऐसी चीज है जो दोनों देशों को करीब ला सकता है और साथ ला सकता है, और ऐसा हुआ भी है। बाबर आजम ने दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, विराट कोहली को उसका जवाब देना भी चाहिए और शायद दिया भी होगा। उन्होंने कहा कि जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से यह रिश्ते थोड़े खराब होते चले जा रहे हैं। भारत की सरकार की आलोचना करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए हैं और दोनों देशों के बीच लगातार दूरी बढ़ती चली जा रही है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ऐसा पहले नहीं होता था, दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते थे। साल 2012-13 में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैचेस भी खेले थे और पाकिस्तान ने भारत का दौरा भी किया था और तब रिश्ते ठीक थे, लेकिन साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सरकार भारत में आई है तब से रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और ये खराब दौर चल रहा है। आपको बता दें कि साल 2012-13 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान केवल ICC के टूर्नामेंट में आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर शाहिद अफरीदी ने बड़ी बात कही, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। लगातार शाहिद अफरीदी मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, साथ ही शाहिद अफरीदी मोदी सरकार को, साथ ही भारत की सरकार को पाकिस्तान और भारत के रिश्तों का जिम्मेदार हमेशा ठहराते रहते हैं। आपको बता दें कि खबरें हैं कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने पैर पसारना चाहते हैं और इसको लेकर ही वे लगातार भारत पर हमलावर होते रहते हैं। बहरहाल क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।